कवि सम्मेलन में कवियों ने काव्य पाठ सुनाकर श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। शनिवार की रात हृदय वाटिका में स्वर्गीय पंडित हृदय नारायण शुक्ला जी की विश्वपुर स्मृति पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आए हुए कवियों ने श्रोताओं को अपनी काव्य पाठ से मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में कवियों ने व्यग्रस, श्रृंगार रस, ओज रस, हास्य रस, वीर रस का काव्य पाठ प्रस्तुत कर रात बरतालियां बटोरी। नगर के ख्याली दास आश्रम के पास स्थित हृदय वाटिका प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर कार्यक्रम का आगाज किया। इसी बीच औरैया नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि लाल जी शुक्ला ने कवियों को साल उड़ाकर सम्मानित किया और समाज सेवी राम कुमार अवस्थी ने पंडित हृदय नारायण शुक्ला के चित्र पर फूलमाला पर चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कवि सम्मेलन का शुभारंभ आगरा से पधारी कवित्री रुचि चतुर्वेदी ने माँ सरस्वती की वंदना से किया। जनपद एटा से पधारी कवित्री योगिता चौहान ने अपनी कविता सुनाते हुए कहा, दिल है टूटा तो गाने से क्या फायदा, जख्म दिल के दिखाने से क्या फायदा, अब बहक जो गए हैं तुम्हारे कदम, अब बहक जो गए हैं तुम्हारे कदम, फिर ये पलक बिछाने का क्या फायदा। कार्यक्रम आयोजक व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अनुराग शुक्ला ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले मेडिकल संचालकों को साल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी हरिओम शुक्ला ने किया। इस मौके पर राम जी मिश्रा, दया नारायण शुक्ला, इंद्रदेव नारायण शुक्ला, पंकज शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, कृपा शंकर शुक्ला, उगम चंद अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। इस जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बदलिया की तरह। एक जैसे है मदारी लखनऊ भोपाल में, सब नचाते हैं गरीबों को, वाह सब नचाते हैं गरीबों को बदलिया की तरह, एक जैसे है मदारी लखनऊ भोपाल। मेरा एक मन है, एक घनाक्षर एक दो में, अरे हुए तो जश्न जीत का मनाएंगे, हारे हुए तो हार का कारण गिनाएंगे, और जौहर बचाने के लिए सत्ता के सामने आजम हुजूर प्रेम से जाजम बिछाएंगे। आ गई हो समझ में तो बजा आई, जितनी समझ आई उतने पसंद नहीं, सबके में आपके को सही मिली थी, किसको खराब मिली। कि देवगौड़ा हारे आप नाभी कैसे गया जी, तो एक नहीं दसो हाथी छाप कैसे जीत गए। अच्छा है, पिछले चुनाव में दस जीते थे। कि देवगौड़ा हारे आप नाभी कैसे गया जी, तो एक नहीं दसो हाथी छाप कैसे जीत गए, और दीदी के भतीजे दिग्गी आपके भी भाई पुत्र वायनाड में, ये जगताप कैसे जीत गए। और राजा महाराजा दोनों हारे हैं मशीन से, तो नाथ बोलो पुत्र और वो आप कैसे जीत गए। मैंने पहले निवेदन किया, चौथी पंक्ति आ रही है, कि राजा महाराजा दोनों हारे हैं मशीन से, तो नाथ बोलो पुत्र और वो आप कैसे जीत गए। बोलो अखिलेश कि मशीन यदि है कथी, तो आप और आपके ये बाप कैसे जीत गए। राणा की खातिर भामाशा, राणा की खातिर भामाशा, सावधानी बहुत जरूरी है, राणा की खातिर भामाशा दानी बहुत जरूरी है, भरत भूमि पर राजा हिंदुस्तानी बहुत जरूरी है, भरत भूमि पर राजा हिंदुस्तानी बहुत जरूरी है, रिपु से लड़ने भारत माँ की रक्षा करने की खाते, हर घर में एक झांकी वाली बहुत जरूरी है, हर घर में एक झांकी वाली रानी बहुत जरूरी है। मैं चार चार पंक्तियों के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि लेकर हाथ
तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी सीमा पर।